अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, बिलाल एकेडमी पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपको पता है कि इतनी तवील जो तातीलात थी उनके बाद आज 18 जनवरी को आपके जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं वो दोबारा पहले मरहले में रीओपन हो चुके हैं। लेकिन आज के ही दिन एक बड़ी अहम खबर, एक बड़ा अहम बयान आया है दोबारा स्कूल्स को और अदारों को बंद करने के हवाले से यास्मीन राशिद की जानिब से। ये अहम बयान सामने आया है, वजीर सेहत ने क्या कहा है उनका ये सारा बयान आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन मजीद आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल का आइकन होता है उसको आपने ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड अहम वीडियोस जो हैं वो बर वक्त मिल सकेंगी। तो ये एक अहम बयान यास्मीन राशिद की जानिब से सामने आया है जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया है कि आपके जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जिनको आज ही इतनी तवील तातीलात के बाद रीओपन किया गया था, उनको दोबारा बंद किया जा सकता है। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई, अगर SOPs पर अमल न किया गया और ऐसी खिलाफ वर्जियाँ की गई जो कि हमें लगा कि सेहत के हवाले से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ऐसे अदारों को, ऐसे स्कूल्स को दोबारा क्लोज कर दिया जाएगा। और ये भी उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई भी सूरत हाल दोबारा देखी गई या फिर ये COVID-19 जो है मज़ीद बढ़ा, तो इस सूरत में तालीमी इदारों को दोबारा बंद किया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर, एक बड़ी अहम न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि वज़ीरे सेहत हैं यास्मीन राशिद, उनकी जानिब से ये बयान आया है कि स्कूल्स को, अदारों को दोबारा बंद किया जा सकता है अगर वालदैन, उस्ताज़ा और अदारों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद ना किया गया, तो ऐसी सूरत में अदारों को दोबारा बंद कर दिया जाएगा। तो ये बयान आज सामने आया है जबकि आप जानते हैं कि स्कूल और दीगर जो अदारे हैं वो आज इतनी ज़्यादा तातीलात के बाद दोबारा रीओपन हुए हैं। तो इस बारे में मज़ीद कोई अहम अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल पर आपने विजिट ज़रूर करते रहना है, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर किया करें ताकि फिर एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी अहम वीडियोज़ बर वक्त आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।